नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने एक कल वीडियो बनाया था और आज भी एक वीडियो बनाया है, और उसमें मैंने नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया था और यह कहा था कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बोर्ड भी कह रहा है। आज एक नोटिस आया है, उस नोटिस को पढ़कर और अंडरस्टैंड करने के बाद में मैं जो समझ पाया हूँ कि अब बच्चों के एग्जाम पर क्या फर्क पड़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, अब यह सब आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखना और सुनना, तब कमेंट्स देना, और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। जैसा बच्चे बहुत ही वो हो रहे थे एरोगेंट कि सर उनका एग्जाम ऐसा हो गया, उनका एग्जाम ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि कोई आपकी सुन नहीं रहा है। DSSSB या जो बोर्ड है, कंसर्न बोर्ड है, वो आपकी सुन रहा है, वो देख रहा है कि क्या हो रहा है, कौन सा पेपर कैसा है। इसीलिए उसने यह नोटिस भेजा है आज हम लोगों की भलाई के लिए कि एग्जाम फेयर हो। मैं उस जो नोटिस आया है उसको पढ़कर बताता हूँ आपको कि वो है क्या। DSSSB कंडक्टेड एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, पोस्ट कोड 16/17 एंड 1/18 इन 4 बैचेज ऑन 13 सितंबर, 13, 14, 28 नवंबर। Now it has been notice of the board. A few questions were exact replica both in wordings of the questions and their response questions in certain questions papers. Right? The matter has been considered by the board and in the interest of fairness and for providing a level playing field to all the candidates. It has been decided to delete these questions from the different batches of examination. These questions shall not be conducted for the purpose of evaluation. तो इसका मतलब यह है कि जितने भी questions, जितने भी batch में repeat हुए हैं, वे मान्य नहीं है, उनका evaluation नहीं होगा। आपके वो गलत हैं या सही हैं, आपने attempt किए हैं या नहीं किए हैं। सपोज करो कि 30 वाले पेपर के 5 क्वेश्चन रिपीट हैं, 13 वाले के 5 हैं और 14 वाले के 5 क्वेश्चन रिपीट हैं और 15 के 15 हैं वो आपके 28 वाले में, तो 28 वाले के जो हैं वो 15 क्वेश्चन नल एंड वॉइड हो जाएंगे, उनका कोई चेक नहीं होगा किसी गलत हो या सही हो। 30 वाले के 5, उसके 5, उसके 5। तो इस तरह से बोर्ड ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और एक पहल है ये, और आगे भी बोर्ड इस पर गौर करेगा, तो इससे हमारा जो लेवल है, जो एक फेयरनेस है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यह बोर्ड की गलती है और इसको बोर्ड ही सुधारेगा। तो इसमें बच्चों का कोई गलती नहीं था, तो बच्चे बिल्कुल बेफिक्र रहें, उनको कोई हार्म नहीं होगा। फिर मैं कह रहा हूँ, प्लीज आप अपनी होप न खोएं। जो पहले से मैं बताता आ रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया है कि जिसके दोनों पार्ट क्लियर हैं वो 100% कह सकता हूँ मैं कि उसकी होप है, वो रेस में बना रहेगा। और अब जब यह हो गया है तो फिर मैं वही अपनी जो मेरी पहली वीडियो थी, जो मैंने उसे कट ऑफ बताई थी कि अब ये 100 को ही छुएगी, 100 से इर्द गिर्द घूमेगी, जो आपका सेफ स्कोर बनता है वो 100 के इर्द गिर्द है, ठीक है, 90 से लेके 100 या 100 102, मतलब इतना ही रहेगा, 100 आपका एक अब सेफ स्कोर बन चुका है, ठीक है। यह बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनो और इसको अपने दिल में लेकर बैठ जाओ कि अगर आपके 100 सही हैं, ठीक है, तो आप रेस में हैं। अगर आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 90 से और 100 बन रहे हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं,
ठीक है। तो इन सब जो आपके जहन में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 100 की रेंज में हैं जन्नत वाले तो उनका हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ओबीसी वाले हैं वो 90 की रेंज में हैं तो उनका हो जाएगा। एससी वाले 85 की रेंज में, उनका हो जाएगा। एसटी वाले 80 की रेंज में हैं या 75 की रेंज में हैं तो उनका भी हो जाएगा। तो जो यह नोटिस आया है इससे इतना फर्क 100% पड़ेगा, ठीक है। अगर DSSB ये पहले भी करता इसको, ठीक है, परंतु अब इन्होंने उन क्वेश्चन को हटा ही दिया है, नल एंड वॉइड कर दिया है, तो इससे हर उस पेपर में फर्क पड़ेगा। तो अब जो यह है कि आपका 100 तक आपकी सिमट कर आ गई है आपकी क्या बोलते हैं इसको कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, अपने लेवल को ऊंचा करो, ठीक है। आपका लेवल ऊंचा होगा तो जो एग्जाम का लेवल है वो अपना नीचे आ जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, यह नहीं है कि कोई जैसे बोलते हैं एक लाइन है इसको बिना मिटाए हुए छोटी करो, तो एक आप बड़ी लाइन खींच दीजिए उसके साथ में तो वो ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। तो आप अपने लेवल को बढ़ाएं तो एग्जाम का लेवल अपने आप नीचा हो जाएगा। इसी शुभ विचार के साथ में आपकी सफलता की कामना करते हुए मैं प्रदीप कौशिक अपनी वाणी को विराम देता हूं। कोई और अगर अच्छी खबर होगी तो मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।